क्यों उसने तुम्हें नहीं रोका कि तुम बार बार तंजीला से मत मिलो? क्योंकि तुम शायद ये नहीं जानते कि आतिर कई दिनों से लापता है। क्या आतिर लापता है? हाँ, इससे पहले आतिर वापस आए मैं चाहती हूं कि तुम तंजीला को उस घर से ले जाओ। प्यार से, जोर जबरदस्ती से या कानूनी चारा जोई करके, कुछ भी। मैं उसे अपनाना चाहता हूं। उससे शादी करना चाहता हूं। मेरा बदला तभी पूरा होगा। हाँ, मुझे तंजीला से माफी मांगनी होगी। मांगनी होगी माफी। अब तुम कुछ भी कहो, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लाख सफाइयां क्यों ना पेश करो, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। और हकीकत यही है कि फैसल के होते हुए तुमने आतिर से शादी की है और अब तुम्हें फैसल के पास वापस जाना होगा। तुम खुद को नहीं रोक सकती। तंजीला बीबी, ज़िशान साहब आए हैं। ज़िशान? मैंने तुमसे कहा था ना रमजान, अगर ज़िशान आए तो उनसे कह देना मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तुमने कहा नहीं? जी, मैंने बहुत कहा, लेकिन वो जिद कर रहे हैं कि आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं आती हूँ। सिशान चाहता क्या है? जी फरमाइए। क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे? तंजीला, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। जब जानते हैं तो यहां क्या कर रहे हैं? इसी नाराजगी को तो खत्म करने आया। तंजीला, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हें ढेरों खुशियां देना चाहता हूं। ये जिम्मेदारी मेरे शौहर आतिर की है। आपको इसके लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे उस दिन तुम्हारा हाथ यूं नहीं पकड़ना चाहिए था। बात सिर्फ हाथ पकड़ने की नहीं है ज़िशान, आपने उस दिन मुझसे जो कुछ कहा मेरे लिए वो बहुत हैरानकुन था। आप वो सब सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझसे वो सब कहा है। मैं तो आपको बहुत सुलझा हुआ और समझदार इंसान समझती थी, मगर आप मगर क्या
तुम भी मुझे दूसरों की तरह कमजोर इंसान समझती हो, जिसके साथ जो चीज चाहेगा तुम करोगी, जब दिल चाहेगा उसका हाथ पकड़ोगी, जब दिल चाहेगा हाथ छोड़ दोगी, ठुकरा दोगी। बोलो, जवाब दो मुझे, बोलो। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने खुद शादी के लिए हां की थी ना, मैं तुमसे बार बार पूछता रहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम हर बार इकरार करती रही, पर मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझे अपनाना चाहती हो, मगर तुमने भी वही किया जो सब करते आए हैं, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे ठुकराकर उस आतिर का हाथ थाम लिया। बोलो, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं तुम? अरे तुम पागल हो गए, जाओ यहां से। तुम जानती हो मैं क्यों खामोश था? सबके सामने अपनी इज्जत का तमाशा बनते देखता रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपनाऊंगा और अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। तुम होश में नहीं हो, मैंने तुमसे कहा कि निकलो यहां से। होश में ही तो अब आया हूं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने पागल कर दिया है। कब तक उसका इंतजार करती रहोगी? वो अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, उससे शादी कर लो, मेरा हाथ थाम लो, प्लीज तंजीला, मुझसे शादी कर लो प्लीज। हटो, रमजान, रमजान, खबरदार जो आइंदा तुमने इस घर में कदम भी रखा तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। निकालो इसे बाहर। चलिए। और आइंदा ये शख्स मुझे इस घर में नजर ना आए। मेरे मोहब्बत को ठुकराया तुमने तंजीला, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने उस आतिर की वजह से, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका वो हाल करूंगा कि तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगे उसके लिए। हेलो, हाँ मैं फैसल बात कर रहा हूँ। जी जी, पहचान लिया मैंने, आपको कैसे भूल सकता हूँ। हुक्म करें, कैसे याद किया बंदे को? कहाँ हो तुम? फिलहाल तो मैं आपके दिए हुए पैसों से शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। मुझसे मिलना है? क्यों, क्या कुछ और जानना चाहते? देखे फैसल, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ जो कुछ मैं जानता था, अब आप जाने और आपकी तन्नो, मेरा मतलब है तंजीला। देखिए, मुझे और कुछ नहीं जानना, जो कुछ मैं जान गया हूँ उसके बाद कुछ और जानने की गुंजाइश नहीं है।
दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, तुम मेरे घर आ सकते हो? हाँ आ सकता हूँ, लेकिन काम क्या है? आओगे तो काम का भी पता चल ही जाएगा। चले काम जो भी हो, लेकिन काम की मजदूरी। जानता हूँ तुम जैसा शख्स पैसों के बगैर तो काम ही नहीं कर सकता। क्या करूँ जनाब, मजबूरी है, हर इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होता है। मैं भी हूँ, आता हूँ। तंजिला भाभी, मैं जानता हूं आप आतिर की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन आज परेशानी की वजह कुछ और है। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? क्या आनिया ने फिर से कोई बात की है? फैसल जिंदा है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। वो जिंदा है और मैं उससे मिल चुकी हूं। लेकिन भाभी, फैसल को तो हमने खुद दबा। छोटा सा फरेब था। नताशा मैम ने सब ड्रामा किया था। अगर क्यों, वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं नहीं जानती। लेकिन ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। आपकी फैसल से मुलाकात हुई है? हाँ। वो घर आया था। और जिसे मैं अपना गुमान समझ नजरअंदाज करती रही, वो भी सच था। गुमान? क्या मतलब? आतिर क्या हुआ होने से कुछ अर्से पहले मैंने फैसल को देखा था, लेकिन अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और उसके बाद सर्वर घर आया था। तुम्हारी वजह से मुझे तंजीला ने ठुकराया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है जलील होकर आया तुम्हें आ गया था। मैंने कहा था ना, तंजीला तेरा हाथ कभी नहीं थामेगी। तंजीला मेरी है, तंजीला सिर्फ मेरी है।
मेरी बीवी। बकवास बंद कर तुम अपनी। तुम भले मेरी जान ले लो लेकिन तंजीला तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मेरे साथ बकवास करता है। पापी आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ध्यान आतिर के केस से हटाना नहीं चाहती थी। आतिर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? फैसल मुझे अपने घर वापस ले जाना चाहता है। अपने साथ अपनी बीवी की हैसियत से अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? आपने आतिर से निकाह किया, बीवी है उसकी। मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन फैसल किसी शरई मसले की बात कर रहा था। जिसके मुताबिक फैसल के वापस आ जाने पर मुझे उसके साथ जाना होगा। उसके बीवी की हैसियत से फैसल ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगा। वो तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाएगा, चाहे इसके लिए उसे कानून का सहारा क्यों ना लेना पड़े। फैसल क्या चाहता है क्या नहीं, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे फैसले की, तो वो भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो? मैंने सुना है तुम अदालत के जरिए फैसल से तलाक लेकर आतिर के साथ ही रहना चाहती हो। तुम्हारा इस सब से क्या वास्ता? मेरा ही तो वास्ता है।